मैजिकल थ्रेड्स पे आपका स्वागत है। आज देखिए हम इस तरह का मल्टी कलर में सुंदर सा मफलर बनाएंगे। आप इसे लेडीज़ या जेंट्स किसी के लिए भी बना सकते हैं सेम पैटर्न में। 3 प्लाई की इसके लिए मैंने वूल ली है और साथ में मैंने 10 नंबर क्रोशिया हुक लिया है 3.25 mm। अगर आपके पास ये क्रोशिया नहीं है तो आप 9 नंबर का क्रोशिया भी ले सकते हैं 3.5 mm। सेम इसी तरह से आप 16, 16, 16 का ये पैटर्न है, 16, 16 आप एक्स्ट्रा लेते जाएंगे तो आप इसे और बड़ा बना सकते हैं, चौड़ाई में बना सकते हैं। सेम इसी पैटर्न के आप शॉल भी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर लगाएँ ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 10 नंबर मैंने क्रोशिया हुक लिया है 3.25 mm। आप 9 नंबर क्रोशिया हुक भी ले सकते हैं 3.5 mm। तो ये एक चेन बनी, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 156,
लेने के बाद 48 चेन मैंने जो ली है ये 16 के मल्टीपल के हिसाब से ली है। यहाँ पर मेरे पास तीन पैटर्न बनेंगे, 16 और फिर 16 प्लस के 32, फिर 16 प्लस के 48। इसके बाद हमने तीन चेन और लेनी है, टोटल मैंने यहाँ पर 51 चेन ली है, 51 51 चेन लेने के बाद हमने धागा लिया, यही एक दो तीन स्किप करेंगे, फोर्थ में हमने पहला डबल क्रोशिया किया, एक किया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे ये दो, नेक्स्ट में बनाया तीन, फिर नेक्स्ट में बनाया चार, पांच, छः और सात, सात मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए। यहाँ पर देखिए शुरू वाली जो तीन की चेन है इसको काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद काउंट करें, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो इसी तरह से हमने काउंट करना है, सात हमने बनाए। इसके बाद धागा लिया, यहाँ पर एक और दो चेन स्किप करेंगे, थर्ड में बनाएंगे, देखिए एक और दो और ये थर्ड, थर्ड में फिर से डबल क्रोशिया किया, एक, फिर नेक्स्ट में दो, नेक्स्ट में तीन, नेक्स्ट में बनाएंगे चार, सात सात बनाएंगे, पांच, छः, सात, एक दो तीन चार पांच छः सात। इसके बाद हम दो चेन लेंगे, धागा लिया, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में सात हम डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, तीन चार पांच छः और सात, एक दो तीन चार पांच छः सात। इसके बाद हमने एक और दो स्किप करनी है, थर्ड में बना लेंगे, एक दो और तीन, थर्ड में मैंने बनाया, सात बनाएंगे,
एक दो तीन चार पाँच छः सात, इसके बाद हमने दो चेन लिए, दो चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ पर सात बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छः और सात, देखिए इस तरह से है। इसके बाद धागा लिया, दो चेन स्किप करेंगे, थर्ड में फिर से बनाएंगे, फिर से यहाँ पर सात बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और लास्ट चेन है, लास्ट चेन में सेवन्थ मैंने डबल क्रोशिया किया। यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, लेकिन जो लास्ट हमारी चेन है उसमें हमने हर बार दो दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पर बनाया एक, इस चेन में एक बार बनाया, इस चेन में एक और बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। अब देखिए ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हो गए, तो आप लास्ट वाले डबल क्रोशिया को ना काउंट करें। इस साइड भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमने तीन की चेन को काउंट नहीं किया है, अगर तीन की चेन को काउंट करेंगे तो यहाँ पर भी ये आठ है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो आप फर्स्ट वाली तीन की चेन को और लास्ट वाला जो हम डबल दो बनाते हैं तो लास्ट वाले डबल क्रोशिया को काउंट ना करें। बाकी अगर आप पैटर्न देखेंगे तो ये बिल्कुल साथ साथ, देखिए यहाँ पर इसको काउंट नहीं करेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो सात सात हमने सेंटर में रखे हैं, इसी तरह से एक दो तीन चार पाँच छः सात, लास्ट वाले को काउंट ना करें। तो इसके बाद एक दो तीन चेन लिए हमने, यही वाली, ये देखिए ये वाली तीन छोड़ देंगे, पहला हमने डबल क्रोशिया ये वाले चेन में बनाना है, इस तरह से वर्क को टर्न करेंगे। और अब हमने जो डबल क्रोशिया बनाना है, तो अब जो डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पर हम ये देखिए बैक वाली चेन को लेकर बनाएंगे, ये पूरी चेन को लेकर नहीं बनाएंगे, ये बैक वाली चेन को, ये देखिए चेन में हमारे पास दो लूप होते हैं, एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला, हमने बैक वाला लूप उठाना है, पूरी चेन को नहीं लेंगे। तो ये हमने बिल्कुल फर्स्ट वाले स्टिच में बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हमने ये हर बार हमने ये तीन की चेन को काउंट नहीं करना, यहाँ से काउंट करने स्टार्ट करें, एक दो, ये तीन चार पांच छः और सात। सात बनाए यहाँ पर हमने, देखिए ये तीन की चेन को आप छोड़ दें, एक दो तीन चार पाँच छः सात। इसके बाद धागा लिया हमने, ये देखिए यहाँ पर हमने दो चेन स्किप किए थे, यहाँ पर भी दो चेन, एक ये वाली और ये वाली स्किप करेंगे, फिर थर्ड में बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच छः, छः हमने बना लिया। सेवन्थ डबल क्रोशिया देखिए कहाँ पर बनाएंगे, सेंटर में हमने दो चेन ली है, यहाँ पर देखिए अभी हमने एक दो तीन चार पाँच छः बनाए हैं, तो सेवन्थ डबल क्रोशिया ये दो चेन है, पहली वाली चेन को इस तरह से उठाएंगे बैक साइड से सेम उसी तरह से, तो ये मेरा सेवन्थ डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद फिर से दो चेन लेंगे, बनाना हमने उसी तरह से है, यहाँ पर दो चेन लिए थे तो यहाँ पर भी दो चेन लिए हैं, यहाँ पर देखिए दो चेन स्किप किए थे तो यहाँ पर भी हमने दो चेन स्किप किए हैं, धागा लेंगे। और अब देखिए ये हमारी जो एक चेन, यहाँ पर दो चेन थी पहली वाली के ऊपर हमने बना लिया, फिर दो चेन लिए, अब दूसरी चेन के ऊपर बनाएंगे,
तो ये पहला डबल क्रोशिया है। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। तो अब देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं। 7 बनाने के बाद फिर उसी तरह से 2 स्किप करेंगे, 1 और 2, 1 और 2 चेन स्किप की, थर्ड चेन में हमने डबल क्रोशिया किया, 1 बनाया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 6 बनाए हमने यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो उसी तरह से हमारे पास ये 2 चेन है, 7th डबल क्रोशिया जो फर्स्ट वाली चेन के ऊपर बनाया, इसके बाद 2 चेन लिए, फिर नेक्स्ट जो चेन है इसके ऊपर बनाएंगे पहला डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाया, एक दो तीन चार पाँच छ, फिर और ये हमने 7th बनाया। इसके बाद उसी तरह से यहाँ पर 2 स्किप किए हैं तो यहाँ पर भी 2 स्किप होंगी, 1 और 2, थर्ड में बनाएंगे पहला डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो जैसे हमने यहाँ पर देखिए 7 7 बनाई है, लास्ट में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जब मैंने लास्ट रो बनाई थी तब मैंने आपको बताया था जब हम रो फिनिश करेंगे तो हम लास्ट वाले के ऊपर 2 बनाएंगे और इस वाले स्टिच को हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसको काउंट नहीं करेंगे तो ये हमारे पास 7 है, जैसे हमारे पास ये 7 है यहाँ पर, इसी तरह से हमने स्टार्ट वाली 3 की चेन को काउंट नहीं करना, तो यहाँ पर भी फिर 7 है। देखिए इस तरह से, तो इसके बाद येलो कलर लगाऊंगी मैं, ये देखिए इसे इस तरह से खींच लिया हमने, तो अब यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन ली, वर्क को टर्न करेंगे, 3 चेन लेकर जो पहला हमारा स्टिच है ग्रीन कलर का बिल्कुल स्टार्ट वाला, उसकी चेन में मैंने बनाया। हर बार हमने इसी तरह से स्टार्ट करना है, बिल्कुल स्टार्ट वाले जो चेन होती है उसमें हमने बनाना होता है। तो 1 बनाया, 3 की चेन को काउंट नहीं करेंगे, पहले वाले स्टिच को, इसको हमने काउंट किया, 1, 2, 3, 4, सेम उसी तरह से 5, 6 और ये 7। सेम रो हमने रिपीट करनी है, 7 हमने डबल क्रोशिया किए, 3 की चेन को काउंट नहीं करेंगे, इसके बाद काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके बाद देखिए सेम उसी तरह से, जो देखिए 2 हमने चेन स्किप करनी है जैसे हमने यहाँ पर की है, 1 और 2 स्किप की, थर्ड वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाए, 1, 2, 3, 4, 5,
और छः बनाए, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, और सेवन्थ हम चेन में बनाते हैं जो पहली हमारी चेन है। चेन के भी हमने बैक लूप को लेना है। इसके बाद हम दो चेन लेंगे, फिर ये सेकंड चेन है, सेकंड चेन के बैक लूप को लेंगे, तो ये हमारा चेन के बाद पहला डबल क्रोशिया है। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके बाद धागा लिया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक चेन स्किप करेंगे, दो स्किप करेंगे, थर्ड वाली के बैक लूप को लेकर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर इसी तरह से आगे, ये जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर हम 7 बनाएंगे, 6 हम यहाँ पर बनाएंगे, और सेवन्थ जो है ये पहली चेन में बनाएंगे, रो कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और मैंने आपको बताया है कि जब भी हम रो का एंड करेंगे तो लास्ट वाले स्टिच में दो बनाएंगे, तो यहाँ पर एक और बनाएंगे और इस स्टिच को हम काउंट नहीं करेंगे। अब बिना का, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8th है। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, यही वाली तीन छोड़ के जो जब हमने पहला बनाना है, ये जो हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है इसके चेन में बनाना है। ये देखिए यहाँ पर बनेगा, धागा लिया, इसके बैक लूप को लेकर पहला डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए ये तीन की चेन को काउंट ना करें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बनाने के बाद ये एक और दो स्किप करेंगे, एक और दो स्किप की थर्ड में बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छ, 1 2 3 4 5 6, और सेवन्थ हम बनाएंगे, ये जो चेन है पहली चेन है, दो चेन ली हैं हमने, पहली में बनाएंगे, बिल्कुल सेम रो रिपीट करनी है। 1 2 3, तो आगे ये इसी तरह से बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। तो रो के लास्ट में देखिए 1 2 3 4 5 6 बनाए मैंने, और लास्ट वाली जो चेन है वहाँ पर बनाएंगे सेवन्थ डबल क्रोशिया, और लास्ट वाली में मैंने आपको बताया दो बार बनाते हैं, एक बार और बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर मैं वाइट कलर लगाऊंगी, आप चाहे तो दो कलर भी लगा सकते हैं, जैसे ये ग्रीन है, येलो है, फिर ग्रीन येलो, तो तीन लगा सकते हैं, चार लगा सकते हैं, तो चॉइस आपकी है। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, और ये जो हमारा, ये देखिए ये वाला लास्ट डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में हमने सबसे पहला डबल क्रोशिया बनाना है। एक दो तीन चार पाँच छः और 7, 7 डबल क्रोशे बनाए। इसके बाद देखिए उसी तरह से एक और दो स्किप करेंगे, थर्ड में फिर से हमने डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 4 5 6, और 7 डबल क्रोशिया हम फर्स्ट चेन में बनाएंगे, चेन के बैक लूप को लेकर बनाना है। इसके बाद दो चेन लिए,
फिर सेकंड वाली चेन में बनाया, इसके बाद नेक्स्ट चेन में बनाया, तो इसके बाद फिर इसी तरह से पैटर्न बनता जाएगा, कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से ये आगे बनता जाएगा। मैंने वाइट के बाद ऑरेंज भी लगाया है, टोटल चार लगाए हैं, आप तीन चाहे तो दो चाहे जितने भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो हमारा एक पैटर्न है, ये देखिए इतना हमारा एक पैटर्न है, फिर ये एक है, फिर ये एक है, तो यहाँ पर हमने सात डबल क्रोशिया बनाए, दो यहाँ पर स्किप किए और सात यहाँ पर बनाए, तो हमारे सात और सात 14 और दो 16, 16 हमारे एक पैटर्न के लिए यूज़ होते हैं, तो 16 चेन हमारे एक पैटर्न के लिए यूज़ हुई, तीन हमने पैटर्न बनाए हैं तो टोटल 48 चेन यूज़ हुई, और तीन हमने रो स्टार्ट करने करते वक्त तो तीन हमने एक्स्ट्रा चेन ली थी, तो 51 चेन हमने टोटल लेनी है स्टार्ट में। तो आगे फिर इसी तरह से बनता जाएगा, मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो मफलर को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आप देखेंगे मफलर के एक साइड से काफ़ी सारे धागे हैं, जब कोई हमारा मल्टी कलर का प्रोजेक्ट होता है तो उसमें इस तरह से काफ़ी सारे धागे रहते हैं, उनको आपने किस तरह से एडजस्ट करना है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, वहाँ से देख कर आप ये धागे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए धागे मैंने इसके ये देखिए एडजस्ट कर लिए हैं, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, इतने सारे इसके धागे थे। तो अब मैं आपको इसे मेज़र करके दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर देखिए हमने तीन तीन इसके पैटर्न, ये एक, ये दो, ये तीन, तीन पैटर्न रखे हैं मैंने, तीन पैटर्न रखने पर इसके 8 इंच वीडियो तैयार हुई है। और अगर आप एक पैटर्न देखेंगे तो एक पैटर्न देखिए 2.5 पौने 3 के करीब है, तो अगर आप इससे ज़्यादा इसकी विड्थ चाहते हैं तो यहाँ पर एक पैटर्न आप एक्स्ट्रा रखेंगे, 16 चेन आप एक्स्ट्रा लेंगे, सात हम ये चेन डबल क्रोशे इस साइड बनाते हैं, सात इस साइड बनाते हैं, 14 और दो यहाँ पर हम स्किप करते हैं, तो 16, तो आपको 16 चेन एक्स्ट्रा लेनी पड़ेंगी जितनी मैंने यहाँ पर ली हैं। तो अब इसके नोट्स बना लेते हैं। ये देखिए नोट्स मैंने इसके बना दी हैं, धागा मैंने कट किया है, दोनों साइड से पाँच पाँच मैंने धागे रखे हैं, इक्वल करेंगे दोनों साइड से। और यहाँ पर देखिए ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है, यहाँ से मैंने इसे डाला इस तरह से, यहाँ से इसे निकाल लेंगे ये सारे के सारे फंदे, इसे थोड़ा सा ऐसे बड़ा करेंगे, बड़ा करने के बाद ये देखिए इसे मैंने इस तरह से पकड़ा है, ये सारे स्टिच, ये सारे जो धागे हैं इस फंदे में से निकाल दिए मैंने। अब आप इसे इस तरह से खींच लें, अगर कोई धागा लूज़ रह जाता है तो आप उसे इस तरह से खींच के एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये मैंने सारे बनाए हैं, तो सारे बनाने के बाद आप इसे इस तरह से फैला के जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इस तरह से पहले आप इसे सेट कर लें, फिर एक्स्ट्रा थ्रेड काट देंगे, यहाँ से इक्वल करेंगे। यहाँ पर लगाया है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से मैंने लगाए हैं। तो ये बीच वाले जो है ये थोड़े से आप थ्रेड लंबा इसका काटे, जो नीचे है ये देखिए ये थोड़ा नीचे है हमारा पैटर्न, तो इसका थ्रेड थोड़ा सा छोटा रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।